गाजा के अलशिफा अस्पताल के पास हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च को अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला करने के बाद से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए 70 से अधिक अलग अलग हमले किए हैं। IDF को काफी जान माल का नुकसान हुआ है और इसी क्रम में अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने खान यूनिस शहर के पश्चिम में नासिर अस्पताल के आसपास एक घर के अंदर बैरिकेडिंग कर रहे इजरायली सेना के एक समूह को RPG से निशाना बनाया। हमास के अनुसार एक बिल्डिंग में IDF के सैनिकों ने घेराबंदी कर रखी थी, जिसको हमास ने अपने निशाने पर लिया और फिर एक RPG से टारगेट को उड़ा दिया, जिसके बाद बिल्डिंग की खिड़की से काले धुएं का गुब्बार उठता है। हालांकि इस हमले में बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई, लेकिन हमास ने दावा किया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि अलकासिम के हमले में एगोस कमांडो यूनिट के एक 21 वर्षीय प्रथम श्रेणी अलोन कुद्रिया शोव की मौत हो गई है। IDF ने अपने बयान में आगे कहा कि इस हमले में घायल हुए 16 सैनिकों में से 6 सैनिकों की हालत गंभीर है, जिनको इजरायल के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अलकासिम के हमले के बाद इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से मृत और घायल सैनिकों को वहां से निकाल लिया, लेकिन हमास यही नहीं रुका बल्कि उसकी अलकासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसने गाजा शहर के दक्षिण में तल अल हवा के पास पश्चिम में शुआत विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके इजरायली सेना के एक मेरकावा 4 टैंक को नष्ट कर दिया। अलकासिम ब्रिगेड ने गाजा में अलशिफा कॉम्प्लेक्स के आसपास 2 अलियासीन 105 गोलों से 2 अन्य मेरकावा टैंक को निशाना भी बनाया। इसके अलावा हमास की सैन्य शाखा अलकुस ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने गाजा शहर के पश्चिम में अलशिफा कॉम्प्लेक्स के आसपास दुश्मन सैनिकों की सभा पर मोर्टार गोलों से बमबारी की है। वीडियो में हमास के लड़ाकों को मोर्टार गोलों से अलग अलग जगहों पर IDF पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हमास ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें उसने एक मिसाइल को ऊपर से गिरते हुए दिखाया है, जो हमास के अनुसार इस बात को दर्शाता है कि जिस स्थिति में फिलिस्तीनी है, उसी स्थिति में वो इजरायली भी है, जिनको हमास ने बंधक बनाया हुआ है। और पोस्टर में हमास ने बंधक बनाए हुए लोगों की तरफ से लिखा है कि नेतन्याहू की नीति के कारण मेरी पीड़ा हर दिन बढ़ती जा रही है और मैं अभी भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा हूं।